Look how stunning the makeup is looking, and then there is a slight switch on camera and the makeup is looking a bit different. Today we are going to be learning about power of light, camera and makeup. I'll be doing this very stunning glowing makeup look. Step by step main aapko pura tutorial dikhaungi while talking about real versus real. Ki jo hamesha dikhta hai na wo probably hota nahi hai. Hey everyone, it's Shalini. Welcome back to my YouTube channel. I really hope you guys are doing well. A very happy new year to you guys. Main ummeed karti hu ki ye saal hum sab ke liye bahut acha acha jaye. Humko jo chahiye jeevan mein wo mile. मैंने तो बहुत कुछ मैनिफेस्ट करके रखा हुआ है इस साल के लिए. एनीवे, कमिंग टू टुडेज वीडियोस टॉपिक, आज मैं बताने वाली हूँ आपको पावर ऑफ लाइट, कैमरा एंड मेकअप. देयर इज अ सीरीज ऑन माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड रियलिटी ऑफ मेकअप. उसी सीरीज में मैंने एक छोटा सा हिस्सा आपको बताया था कि कैसे लाइट से, डिस्टेंस से और कैमरा क्वालिटी से फर्क पड़ता है कि आपका मेकअप और स्किन कैसा दिख रहा है. द मेन पर्पस ऑफ टुडेज वीडियो इज टू लेट यू गाइस नो दैट डू नॉट फॉल फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू सी ऑनलाइन. स्पेसिफिकली स्किन केयर मेकअप एड चल रहे हैं या मेकअप वीडियोज या ट्यूटोरियल्स आप देख रहे हो और ये सारी वीडियोस देख के आप इंटिमिडेटेड फील कर रहे हो कि यार जो ऑनलाइन एड में देखा था उनकी स्किन तो कितनी अच्छी लग रही थी स्किन केयर करने के बाद, या उनका मेकअप तो कितना अच्छा लग रहा था जब उन्होंने ट्यूटोरियल दिखाया था. यू नो व्हाट, रियलिटी जैसे हमेशा दिखती है वैसी होती नहीं है. कैमरा का और लाइटिंग का बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है कि आपका स्किन और मेकअप कैसा दिख रहा है, और आज हम लोग वही तो डिस्कवर करने वाले हैं और आप लोग अमेज हो जाओगे डिफरेंस देखने के बाद. आई एम गोना स्प्लिट माय स्क्रीन इन टू पार्ट्स. लेफ्ट साइड में आई विल बी यूजिंग माय कैनन M50 Mark II जिस कैमरे से इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, एंड राइट साइड में आई विल बी कीपिंग माय iPhone 13 Pro Max and I'll be using natural light to film everything. अब अगर मैं सेटिंग्स की बात करूँ तो इस कैमरे को मैंने मैनुअली सेट करके रखा हुआ है. यू नो इसका अपर्चर और ISO मैंने सेट किया है अकॉर्डिंगली ताकि मेरी जो स्किन और मेकअप है एज क्लोज टू रियलिटी वो दिख सके. बट इस आईफोन में मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ी. इसमें ऑलरेडी ऑटो सेटिंग जो है वो मैं यूज करने वाली हूँ. सिनेमैटिक मोड में इसको मैं यूज करूंगी. दोनों HD में फिल्म होने वाले, बट आपको डिफरेंस बहुत ज्यादा नजर आने वाला है आज के इस वीडियो में. सो बेस, आई शेडो, लिपस्टिक सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे. विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन. सिर्फ बेयर स्किन में ही आप लोग कितना बड़ा डिफरेंस देख सकते हो दोनों कैमरा को कंपेयर करें तो. मेरे स्किन टोन में, बैकग्राउंड, आउटफिट, लिप कलर में डिफरेंस है. मेरे डार्क सर्कल्स, एक्ने मार्क्स, स्कार्स तो दोनों में विजिबल है, बट आई वुड स्टिल से आईफोन साइड इज अ बिट फॉरगिविंग क्योंकि थोड़ा सा ब्लरी लग रहा है मेरा स्किन. ओके, मेकअप की शुरुआत करते हैं. अब आप मैजिक देखते जाना धीरे धीरे. सबसे पहले मैं ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज करते हुए लिप्स के आसपास कलर करेक्ट करूंगी. काफी बार जब मैंने अपने आईफोन के फ्रंट कैमरे से फिल्म किया है मैंने कलर करेक्टर स्किप किया है बिकॉज आई फील लाइक द कैमरा इज सो फॉरगिविंग कि मैं कलर करेक्टर नहीं भी करूंगी तो चलेगा. बट जब भी मैंने अपनी कैनन के कैमरा से फिल्म किया है मैंने हमेशा कलर करेक्ट किया है अपने लिप्स के आसपास. दिस कैमरा इज नॉट फॉरगिविंग. दिस इज गोना शो you every reality. It's time to conceal my under eye area. Someone is not sleeping well lately, तो मुझे under eye dark circles हैं. And I'm using the shade Caramel by Maybelline Age Divine Concealer. आप लोग देख सकते हो कंसीलर की शेड में डिफरेंस नजर आ रहा है. इनफैक्ट अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो आईफोन का कैमरा है फ्रंट कैमरा उसका सैचुरेशन थोड़ा ज्यादा है while my Canon is slightly on the cooler side. मैं चाहती तो कैनन की सेटिंग कुछ ऐसा सेट कर सकती थी कि स्किन थोड़ा वार्मर लगती या पोस्ट प्रोडक्शन में भी उसको वार्म कर सकती थी, बट मैंने ऐसा किया नहीं. अदरवाइज मैं इस वीडियो को आपको पर्पस ही समझा नहीं पाती. सेम देयर इज अ कलर डिफरेंस फॉर फाउंडेशन. एक चीज मैं आप लोग की नोटिस में यहाँ पे लाना चाहती हूँ कि काफी बार अपने मेकअप ट्यूटोरियल्स में मैंने मेंशन किया है दैट द कंसीलर और द फाउंडेशन शेड इज लुकिंग लाइटर, द कैमरा इज नॉट कैप्चरिंग इट वेल. वेयर हियर इज द प्रूफ विद द डिफरेंस. दैट डज नॉट मीन आई एम इंटेंशनली ट्राइंग टू मेक माई स्किन लुक लाइटर. इट इज हाउ द कैमरा इज कैप्चरिंग दी product. Next step, I'll be applying cream blush on the highest point of my face, on the bridge of my nose and also on my chin, and going to blend it with the help of the brush. The iPhone side mein intensity achhi dikh rahi hai. In fact, mujhe lag raha hai ki kuch zyada hi intensity dikha raha hai. Wo itna dikh bhi nahi raha tha real life mein. Aur Canon side mein it is not capturing the intensity. That's why you must have seen me. In fact, other beauty creators ko bhi aap log ne bolte hue suna hoga ki guys, blush extra lagana padta hai kyunki camera capture karta nahi hai. Next step, main pure face ko acche se settings places set karungi, fan karungi. Uske baad बाद में अपने फेस पे पाउडर अप्लाई करूंगी. गोना सेट माय अंडर आई एरिया अराउंड माय नोज, अराउंड माय लिप्स एंड ओवर माय आईलिड. फिर जॉ लाइन को भी अच्छे से मैंने सेट किया. मैं ब्लश को सेट करने के लिए दूसरा पाउडर ब्लश यूज करूंगी, और जैसे ही मैंने पाउडर ब्लश लगाया अपने फेस पे आप लोग देख सकते हो इंटेंसिटी कितनी खूबसूरत और बराबर दिखना शुरू हो जाती है ऑन द कैनन साइड, वायर ऑन द आईफोन साइड आई लुक लाइक अ क्लाउन. और पता है आईफोन साइड वाज माय व्यू फाइंडर ऑल्सो, तो उसको देखने के बाद मैंने थोड़ा सा टोन डाउन किया ब्लश को. और इस वीडियो को फिल्म करते करते मैंने खुद ने रियलाइज किया कि
कि आईफोन के कैमरे का सैचुरेशन काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू माई कैनन M50, बट इसका मतलब ये नहीं कि आईफोन आपको सारी सच्चाई बता देता है. आई रियली वांट टू टॉक अबाउट अदर फोन्स एज वेल. आई मीन मैंने कितने ऐसे फोन्स देखे हैं मार्केट में भी अवेलेबल जिनके फ्रंट कैमरा सेल्फी मोड जो है वो ब्यूटी फिल्टर के साथ आते हैं. दे मेक यू वांट टू बिलीव दैट ब्यूटी फिल्टर लगाओगे तभी आप अच्छे दिखते हो, अदरवाइज यू डोंट लुक गुड एज इट इज, जैसा आपका रियल फेस है. एंड दे आर रियली प्लेइंग विद योर हेड यू गाइस. एनीवे, नेक्स्ट स्टेप, मैंने हाईलाइटर अप्लाई किया ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माय फेस. हाईलाइटर के साथ नोटिस किया मैंने एक चीज कि आईफोन इज क्वाइट फॉरगिविंग, क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ माय फेस वहां पे टेक्सचर है, इतना टेक्सचर समझ नहीं आता एज कम्पेयर टू M50. आई लुक के लिए हाईलाइटर अप्लाई किया ऑन द सेंटर ऑफ माय आईलिड एंड देन क्रीज लाइन पे मैंने ब्लश का शेड अप्लाई कर दिया. देन मैंने एक डीप पर्पल शेड अप्लाई किया ऑन माय लोअर लैश लाइन टू डिफाइन माय लोअर लैश लाइन. आई एम गोना मूव ऑन टू आईब्रोज, फिलिंग माय आईब्रोज. आईब्रोज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, स्पेसिफिकली सैचुरेशन का, कलर का. हालांकि जो सैचुरेशन है आईफोन का वो वार्मर है, ज्यादा दिख रहा है, बट माय आईब्रोज आर लुकिंग जेट ब्लैक व्हाट दे आर इन रियल लाइफ ऑन द लेफ्ट साइड, दैट इज ऑन द M50 साइड. एंड दिस इज व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड कि आईफोन भी आपको सारी रियलिटी बताता नहीं है. मूविंग ऑन टू कर्लिंग माय आईलैशेस एंड देन अप्लाइंग मस्कारा. अगेन, व्हेरेवर देयर इज ब्लैक कलर ऑन स्क्रीन, M50 इज परफॉर्मिंग मच बेटर, प्रोमिनेंटली हाईलाइट कर पा रहा है. एंड दिस इज व्हाट माय आईज वर लुकिंग लाइक इन रियल लाइफ. मेरी आंखों में मेरा मस्कारा ना अच्छे से दिखता है, दैट इज लाइक माय प्रोमिनेंट फीचर ऑल्सो. आई लव टू डिफाइन माय आईलैशेस. नेक्स्ट स्टेप इज गोना चेंज द गेम फॉर द एंटायर लुक, दैट इज अप्लाइंग द हाईलाइटर फॉर द इनर कॉर्नर एंड स्लाइटली ड्रैगिंग इट अपवर्ड्स. दिस इज समथिंग आई लव टू डू व्हेनेवर आई डू ग्लोई मेकअप लुक्स. आई मीन दिस इज सच अ माइन्यूट स्टेप बट दिस डज मेक अ डिफरेंस, और दोनों साइड हाईलाइटर इक्वली परफॉर्म कर रहा है. लिपस्टिक के लिए मैं यूज करूंगी रानी सा बाय माय ह्यूज. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल न्यूड मॉव शेड, लुक्स स्टनिंग ऑन माय पिगमेंटेड लिप्स. एंड कैन यू सी हाउ दिस लिपस्टिक इज लुकिंग स्लाइटली डिफरेंट ऑन बोथ द साइड, जबकि सेम लाइटिंग सेटअप में ये फिल्म हुआ है. कैमरे का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है. एंड दिस इज द प्रूफ दैट हाउ वन लिप कलर कैन लुक डिफरेंट ऑनलाइन वर्सेस जब आप उसको खरीदते हो, क्योंकि आपने वो फोटो और वीडियो देख के खरीदा था, और जब वो घर पे आता है और जब आप अपने लिप्स पे अप्लाई करते हो तो वो कुछ डिफरेंट लगता है. यस, स्किन टोन को भी कंसिडर कर रही हूँ मैं कि स्किन टोन डिफरेंट होता है तो लिपस्टिक भी डिफरेंट लगता है. अब ओवरऑल लुक की बात करूँ, द मेकअप इज लुकिंग सो गुड ऑन बोथ द कैमराज. इन रियल लाइफ ऑल्सो इट वॉज लुकिंग सो गुड. अब आप लोग मुझसे पूछो कि विच साइड इज क्लोजर टू द रियलिटी. एक्चुअली बोथ ऑफ देम आर प्रीटी क्लोज टू द रियलिटी. अगर मैं M50 के सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा दूं या आईफोन के सैचुरेशन को हल्का सा कम कर दूं, इट विल बी क्लोजर टू द रियलिटी. एंड दैट इज व्हाट आई कैन गिव यू, समथिंग विच इज क्लोज टू द रियलिटी, बिकॉज कैमरे का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है. बट डेफिनेटली M50 वॉज एबल टू कैप्चर डिटेल्स ऑफ माई फेस, स्किन टेक्सचर, एक्ने, एक्ने मार्क्स, स्कारिंग, उन सबको उसने क्लियरली दिखाया विदाउट ब्लरिंग आउट एनीथिंग. एंड आईफोन का सिनेमैटिक मोड स्लाइटली टेंड्स टू ब्लर आउट द स्किन. एंड व्हेन आई टेल यू सिनेमैटिक मोड में मेरी स्किन हमेशा अच्छी दिखती है, यू हैव टू बिलीव मी. एनीवे गाइस, आज का वीडियो वाज टू टेल यू दैट हाउ डिफरेंट कैमरा में डिफरेंट दिखता है स्किन, और आपका मेकअप भी डिफरेंट नजर आता है. दिस वीडियो वाज जस्ट अ रिमाइंडर दैट व्हाटएवर यू सी ऑन रील, इट्स नॉट ऑलवेज रियल. ऑलराइट यू गाइस, दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे. मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. मुझे इस वीडियो का आइडिया पता है कैसे आया, जब मैंने एक स्किन केयर वीडियो पोस्ट किया था अपने YT शॉर्ट में एंड आई यूज्ड आईफोन का सिनेमैटिक मोड टू फिल्म द एंटायर वीडियो, एंड वो नाइट में शूट हुआ था एंड आई यूज्ड मेरे घर की ही लाइट्स, मैंने कोई अलग से लाइट लगाया नहीं था. एंड आई गॉट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स ऑन माई स्किन दैट शालिनी व्हाट आर यू यूजिंग ऑन योर स्किन इज लुकिंग सो प्रिटी, ग्लोइंग इट इज. एंड आई वाज लाइक गाइस इट्स माई फोन, ट्रस्ट मी, मेरी स्किन ऐसी नहीं है, इट्स जस्ट द कैमरा, इट्स जस्ट द फोन. एक छोटा सा झलक और देती हूँ मैं आपको. आई एम गोना बी यूजिंग माई आईफोन, ठीक है, एंड आई एम रिकॉर्डिंग करेंटली. और इस डायरेक्शन में जब लाइट आ रही है, आप लोग देख सकते हो कि बहुत अच्छे से मेरा मेकअप दिख रहा है, माई फेस इज लुकिंग ब्राइटर. एंड इफ आई विल जस्ट मूव माई कैमरा लिटिल बिट, यहाँ पे और ब्राइट हो गया. एंड इफ आई विल जस्ट मूव माई कैमरा अ लिटिल बिट मोर, यहाँ पे और ब्राइट हो गया. और अब तो मेकअप इतना समझ नहीं आ रहा है, बट स्किन फिर भी खिल रही है मेरी. सो लाइटिंग प्लेज सच अ इंपॉर्टेंट रोल ऑन हाउ योर मेकअप इज एक्चुअली लुकिंग. आई एम जस्ट लेटिंग गाइज नो कि बाई फिल्मिंग अ सर्टन वीडियो अ सर्टन वे, वन कैन रियली मैनिपुलेट द ऑडियंस. एंड दिस चैनल इज नॉट अबाउट दैट. आई ऑलवेज लाइक टू शो यू रियलिटी, और वही आज के इस वीडियो में मैंने किया है. मैं उम्मीद करती हूँ जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ इस वीडियो के जरिए वो आपको पहुंचा है. डू नॉट कंपेयर योर स्किन विद समवन एल्सस स्किन. यू नो करके आई हैव लॉट ऑफ एक्ने, एक्ने मार्क्स. मुझे मुंबई का क्लाइमेट करेंटली बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है, बट इट डज नॉट मीन दैट आई नेवर हैड लाइक गुड स्किन डेज. आज एक्ने है, कल एक्ने नहीं होंगे. यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किन इंटरनली एंड एक्सटर्नली. ऑन दैट नोट, दिस वॉज द वीडियो. आई एम गोना सी यू गाइस वेरी सून विद द ब्रांड न्यू कंटेंट ऑन माय चैनल. बाय एवरीवन, टेक केयर, आई लव यू, सब्सक्राइब.